है, और जब एक से ज्यादा की बात होती है तो तब क्या आता है? वर्ब थे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, था और थे शब्द कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? नमस्ते। ये जो ये वाले शब्द हैं, ये वाले दिख रहे हैं, ये विद्यार्थी, कलाकार, कवि, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट, कलाकार, आर्टिस्ट। ये तुम्हें याद करने हैं और इसका भी मैं टेस्ट लूंगी। बोलते हैं ज्यादातर शब्द तुमने सुने भी होंगे, पर जैसे मजदूर, नाई, बहादुर का यूज हो रहा है, और योर, आई ओ यू आर, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। इसको भी लिखना है मैम, यही होगा ना? शीस किसके लिए लगता है? What? लड़के के लिए। और हर लड़की, लड़की के लिए। तो ये तुम पूरा इसके हिंदी में लिख के बताओगे मुझे? मैं लिख रही हूँ जैसे मैम आपने लिखा वैसा ही। हाँ, मैंने माई का लिखा ना, मेरा, मेरी, मेरे। अगर ये तीनों शब्द कहीं पे हैं तो हम वहाँ पे माए बोलेंगे। तो तुमने इनके आगे के लिए किसका नहीं हुआ? ये अभी मेरे को बोलना चाहता है। मैम आपने मैं उसकी जगह आई बात ले ली है। वहाँ पे इसके नीचे वाला ये मिटा दो, मैम सारा मिटा दो। इसकी इंग्लिश बताओ, क्या जो कि तुम बताओ।